नालानगर नाम के गांव में बग्गा नाम का एक लड़का रहता था। वो एक किराने की दुकान में डिलीवरी बॉय का काम करता था। साइकिल पर चीजों को रख कर डिलीवरी करता था। हर रोज उसका काम होने के बाद सेकेंड शो सिनेमा देखने की आदत थी उसे। एक दिन घर में उसकी माँ, अरे तेरी कमाई पहले ही इतनी कम है, उसमें से भी आधी उन सिनेमा के पीछे खर्च क्यों कर देता है तू? सिनेमा देखने से तुझे क्या मिलता है बता? माँ, हमारी जिंदगी पूरी सिनेमा में ही रहती है। सिनेमा में हीरो जो भी करता है, मुझे लगता है वो सब मैं कर रहा हूँ। हीरो का अमीर रहना, हेलीकॉप्टर में जाना, फाइटिंग करना, दो दो हीरोइन के साथ डांस करना, वाह ये सब मैं ही कर रहा हूँ लगता है मुझे। कल जो सिनेमा देखा मैंने, उसमें तो हीरो एक ही गाने में करोड़पति बन जाता है। पता है, मैं भी ऐसे ही करोड़पति बन गया तो कितना अच्छा होगा। ए पागल, वो सिनेमा है, उसे अगर सच मान लिया तो कैसे चलेगा? जल्दी से करोड़पति बन जाना, वो भी एक गाने में करोड़पति बन जाना, ये सब सिनेमा में ही होता है बेटा, असली जिंदगी में नहीं होता। मेहनत करके कमाने से ही कुछ मिलता है। काम का समय हो रहा है, रेडी होकर जाओ। एक दिन बग्घा साइकिल पर जंगल के रास्ते से आ रहा था। इतने में ही उसको बलून बाइक पर कोई उड़ता हुआ नजर आया। वो बाइक वाला बग्घा के सामने आकर रुका। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम माली है, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी मिलेगा? बग्घा के पानी देते ही वो आदमी टकाटक पानी पी गया। कौन हो भाई तुम? पहले तो बैलून से बाइक उड़ाना क्या है, कहाँ जा रहे हो तुम? बोला ना भैया, मैं दुनिया की यात्रा करने निकला हूँ। ये एक माया बैलून है, एक स्वामी जी ने मुझे ये आशीर्वाद के तौर पर दिया है। ये किसी भी गाड़ी में लगाओ तो वो गाड़ी हवा में उड़ने लगती है। मुझे दुनिया देखने की बहुत इच्छा है, इसीलिए ऐसे घूम रहा हूँ। पानी देने के लिए शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। वाह, आपका काम तो अच्छा है, फ्री में बिना टिकट के दुनिया सारी घूम रहे हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ आपको कोई बुला रहा है, देखो। उसके पलटते ही बग्घा ने उसके सर पर एक डंडा दे मारा, बस वो चक्कर खाकर नीचे गिर गया। जल्दी से बग्घा बाइक पर चढ़कर हवा में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते, आहा ये तो बहुत अच्छा है, नीचे सब लोग चींटियों की तरह लग रहे हैं। सिनेमा को छोड़कर असलियत में ऐसे सीनरी कभी देखने नहीं मिलेगी। लेकिन उस गधे को बुद्धि नहीं है, स्वामी जी इतना अच्छा जादुई बैलून देने के बाद उसे ऐसे बेकार चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया घूमने से एक रुपए भी मिलेगी क्या उसे? और उसके पास तो पानी की बॉटल खरीदने के पैसे तक नहीं है। इस जादुई बैलून को कैसे यूज करना चाहिए मुझे अच्छी तरह पता है, सोचा। अगले दिन एक बैंक के पास आया। वहाँ एक आदमी स्पोर्ट्स बाइक पर आकर पार्क करने के बाद बैंक के अंदर गया। जल्दी से बग्घा ने वहाँ आकर उसको बलून बांध दिया। उसके ऊपर बैठते ही बलून बड़ा हो गया और हवा में उड़ने लगा। कुछ देर बाद उसका ओनर बाइक नहीं दिखने की वजह से बहुत परेशान था। बग्घा वो बाइक पर ऐसे ही घूमते फिरते एक चेक पोस्ट तक आ पहुँचा। उसे देखते ही SI, ए कॉन्स्टेबल, ये क्या है, अजीब सा कुछ, बाइक हवा में उड़ रही है। हाँ सर, इस बीच टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो गई है सर, ड्रोन्स की तरह ही बाइक क्या सर, कार्स भी हवा में उड़ रहे हैं। आपके पास स्मार्टफोन रहकर क्या फायदा सर, यूट्यूब ये सब में रेगुलर देखोगे तभी तो ना सर अपडेटेड रहोगे। ए, मैंने तुझे उसे देखने के लिए कहा है, मुझे सलाह सूचन देने नहीं, चुप कर तू। ऐसे ही बग्घा शहर में उतर गया। वो बाइक एक मैकेनिक को बेच दिया और उन पैसों से शराब पीकर मस्त एंजॉय करने लगा। इसी तरह रोज बाइक स्कूटर्स की चोरी करके बेचने लगा। चेकपोस्ट के पास SI और कांस्टेबल उसे हमेशा देखते थे। एक दिन कांस्टेबल, सर इसकी शक्ल ठीक से दिख नहीं रही है, लेकिन जरूर ये चोर ही होगा सर, ये सब ले जाकर लग रहा है कहीं बेच रहा होगा। ए, तुम चुप बैठो, वो चोर है ऐसे कैसे कह सकते हो तुम, कोई बहुत अमीरजादा भी तो हो सकता है, उसके पास बहुत सारी गाड़ियां है शायद। तुम्हारे दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो और अपना काम देखो। कुछ दिन बाद पुलिस स्टेशन में गाड़ी चोरी होने के कंप्लेंट्स लेकर आने वाले लोग सब शोर मचाने लगे। शांत शांत, कोई परेशान मत हो, वो चोर को पकड़कर आप सबकी गाड़ियां आपको देने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना? क्या रे, मेरे डेलस तू बोल रहा है, ओवर एक्शन मत करो, चोर कौन है वो बिना जाने कैसे पकड़ेगा तू, पागल कहीं का। मित्रों आप यहां से शांति से जाइए, हम इस केस की फाइल्स चेक करने के बाद वो चोर को पकड़ लेंगे, जाइए।
सब लोग वहां से चले गए। एक दिन एक स्पोर्ट्स कार को उड़ाकर बग्गा वहां से जा रहा था। वो चेकपोस्ट के ऊपर से जा रहा था। सर, लग रहा है वो इस बार स्पोर्ट्स कार चोरी करके भाग रहा है। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए सर, मैं उसकी पूरी पोल खोल दूंगा। अब्बा, इतनी हिम्मत है तुझ में? तू हवा में उड़ने वाले इंसान को कैसे रोकेगा रे तू बेवकूफ। ठीक है, मैं भी तो देखूं। कहते कांस्टेबल कैटेपुल से एक पत्थर लेकर फेंका। वो पत्थर बलून को लगा और बलून फूट गया, कार नीचे गिर गई। सर, मुझे कुछ मत कीजिए सर, गांव में बाइक्स और स्कूटर्स की चोरी मैंने ही की है सर, और पैसों के लिए अब कार चुराने लगा हूँ। मुझे कुछ मत कीजिए सर, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर। जल्दी से उन दोनों ने उसे पकड़ा और बहुत पीटा। पुलिस स्टेशन में एसपी। एसआई, इस बीच तुम्हारा काम बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुमसे अच्छा तो ये कांस्टेबल काम कर रहा है, ऐसे सोच रहे हैं गांव वाले। इस चोर को पकड़ने वाला भी यही है ना? कांग्रेचुलेशंस कांस्टेबल, आज से तुझे एसआई की पोस्ट का प्रमोशन दे रहा हूँ। और तुम एसआई, इसके साथ कांस्टेबल की तरह रहकर इससे कुछ काम सीख लो। वो सुनकर एसआई ने अपना सर पकड़ लिया। विकास नगर नाम के गांव में जगजीत लक्ष्मी नाम के दो बूढ़े पति पत्नी फलों का ठेला लगा के अपना जीवन गुजारा करते थे। उनके बेटे और बहू का देहांत होने के कारण उनके पोता पिंटू को बहुत लाड़ से पालते थे। पिंटू अच्छे से स्कूल में पढ़ता था। जगजीत को फलों के व्यापार में पैसे बहुत कम मिलते थे, फिर भी वो अपने पोते को अच्छे से पढ़ाने के लिए सोचता था। बेटा, तुम्हारे दादाजी और मैं तुम्हारे लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें खूब पढ़ाई करके बड़े होके कलेक्टर बनना है और इस गांव का नाम रोशन करना है, और तुम्हें गरीब और अनाथ लोगों की सहायता भी करनी चाहिए। ये बात तुम कभी ना भूलना बेटा। एक बार एक रोड एक्सीडेंट में बेचारे जगजीत और लक्ष्मी दोनों मर गए। उन्हें याद करके पिंटू बहुत रोता था। तुम ऐसे उनकी तस्वीर देखकर दुखी हो गए तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम कोई अनाथ आश्रम में भर्ती हो गए तो अच्छा रहेगा बेटा, एक बार सोच लो। नहीं माँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे लिए आप सब है ना। वैसे ऊपर से मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता मुझे देखते रहते हैं। कलेक्टर बनूं, ये मेरे दादा दादी की ख्वाहिश थी। किसी भी हालत में मैं उनकी ख्वाहिश को पूरा करके रहूंगा। ऐसे वो ठेला लगाकर अपने दादाजी के जैसे ही फलों का व्यापार करने लगा, फल बेचकर पैसे कमाने लगा और उसी ठेले के पास किताबें पढ़ने लगा। अगर उसे पढ़ाई में कुछ डाउट आया तो शाम को अपने टीचर के पास जाकर पूछता था। ऐसे वो प्राइवेट में एग्जाम्स भी लिखने लगा। एक बार दो मुश्तंडे उसके ठेले के पास आए। रे बच्चे, तुम्हारे दादा दादी दोनों मर गए हैं, ऐसा हमने सुना है। बच्चे होकर भी व्यापार अच्छे से कर रहे हो। निकालो निकालो हमारे हफ्ते के पैसे निकालो। मरे हुए लोगों के बारे में ऐसी बात करना अच्छा नहीं है जी। वैसे आप कौन है, मैं आपको पैसे क्यों दूं? क्यों रे, हमसे ही जुबान लड़ा रहे हो? हम कौन है तुम्हें पता नहीं क्या? क्यों, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें नहीं बताया क्या? ठीक है, अब बताते हैं। सुनो, हम बहुत बड़े गुंडे हैं। हम यहाँ हर दुकान वाले से हफ्ते के पैसे वसूल करते हैं। ऐसे ही तुम्हें भी हर बार हमें पैसा देना होगा, नहीं तो तुम्हें व्यापार करने नहीं देंगे। ये तो नाइंसाफी है जी, हम मेहनत करके पैसे कमाए तो वो पैसे आपको क्यों दे? इस देश में कानून नहीं है क्या? मैं जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दूंगा। अच्छा, सच है क्या? अगर तुम्हें कंप्लेंट देना है तो पहले हमें तो कुछ ना कुछ करना होगा ना। पहले तुम्हें मारेंगे, बाद में तेरे दुकान को नाश करेंगे, ठीक है? कहकर उसे बहुत मारे, बाद में उसके ठेले को नाश किए। उसे देखकर पिंटू खूब रोने लगा। बाद में पुलिस स्टेशन जाकर एसआई को जो बीता वो सब बताया। देखो बेटा, वो बहुत बड़े गुंडे हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कर सकता। तुम उन्हें पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, जाओ यहाँ से चले जाओ। वो सुनकर पिंटू बहुत दुखी हुआ। अगले दिन वो गुंडे फिर से आए। क्यों रे, बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हो, अश्लील किताबें है क्या? छी, बच्चों से ऐसे कोई बात करता है क्या? मुझे अच्छे से पढ़कर कलेक्टर बनना है, इसीलिए प्राइवेट से पढ़ रहा हूँ। बाप रे, हंसा मत रे भाई, आफ्टर ऑल फल बेचकर जीने वाले तुम कलेक्टर बनोगे क्या? ठीक है, बाहर में जाओ, पैसे दोगे या मार खाओगे। ऐसे पिंटू के दिए हुए पैसे लेकर वो वहाँ से चले गए। एक बार एक बूढ़ा आदमी पिंटू के ठेले के पास आया।
बेटा मैं एक अनाथ हूँ, मुझे कुछ काम है तो बोलोगे क्या? खाना खाकर दो दिन हो रहे हैं, खाने के लिए कुछ है तो दो बेटा। पिंटू तुरंत उसे फल दिया। उस फल को खाकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ। दादाजी आपको देने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, मगर बेचारे आप अनाथ हो कह रहे हो ना, आप भी मेरे साथ रहो, मुझे अपना पोता समझो, जो भी है बांट के खाकर हम दोनों जिएंगे दादाजी। ऐसे वो बूढ़ा भी उसे फल बेचने में मदद करने लगा। वो दोनों मिलकर खाकर सो जाते थे। ऐसे थोड़े दिन बीते। एक दिन वो गुंडे फिर से उस ठेले के पास आए। रे ये बूढ़ा कौन है रे, तुम्हारा ही ठिकाना नहीं और तुम्हारा एक असिस्टेंट भी क्या? ठीक है पैसे निकालो जल्दी। छोटे बच्चे से पैसे कैसे पूछ सकते हो जी, ये बहुत गलत बात है, गुंडागर्दी में कुछ उसूलों का पालन करना चाहिए। क्यों रे गुंडागर्दी ये वो कहकर बड़े बड़े बातें बोल रहे हो, गुंडागर्दी के बारे में तुम्हें क्या पता है रे? आपको मुंबई का डॉन नंबियार पता है ना? हाँ उनके बारे में किसको नहीं पता, क्यों तुम्हें पता है क्या, वो तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? नहीं मैं ही वो नंबियार हूँ, मुझसे भी बड़ा गुंडा इस देश में नहीं है, इसीलिए बच्चों के पास पैसे लेना अच्छी बात नहीं है बोल रहा हूँ। तुम नंबियार हो क्या? क्या मजाक कर रहे हो तुम भी? कहकर दोनों हंसने लगे। तब वो बूढ़ा किसी को फोन किया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर उतरी, उसमें से गन पकड़कर थोड़े लोग उतरे। वो वहां पर आकर, नंबियार भाई आप यहाँ क्यों है भाई, हम आप मॉरिशस में है सोच रहे हैं भाई। मैंने अपना प्लान बदला है रे, मैं इंडिया में ही हूँ कहकर पुलिस वालों को नहीं पता, इसीलिए वो मुझे वहाँ पर ढूंढ रहे हैं। अब बस हो गया, चलो चलते हैं। बेटा पिंटू तुमने मुझे आश्रय देकर मेरी बहुत मदद की, तुम कलेक्टर बनने तक खर्चा जितना भी हो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मुझे तुम्हारा दादाजी समझो। रे इस एरिया में ये लोग बहुत बड़े गुंडे हैं, इन्हें मैं ही नंबियार हूँ कहकर बोले तो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, एक बार तुम ही इन्हें भरोसा दिलाओ। बस नंबियार के आदमी उन गुंडों को गन दिखाने लगे, वो गुंडे दंग रह गए, बाद में उन्हें पकड़कर खूब पीटे। वो गुंडे वहां से भाग गए। पिंटू को टाटा कहते हुए नंबियार वहां से हेलीकॉप्टर में चला गया। बाद में से अच्छे से पढ़कर पिंटू कलेक्टर बनकर उस गांव को बड़े से कार में आया। गांव के लोग उसका सम्मान किए,